नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग सीटेट की तैयारी के लिए सीडीपी बाल विकास का अध्ययन करेंगे और ये क्लास फर्स्ट है। यहाँ पे आपको पूरे 30 प्रश्न मिलेंगे, तो चलिए आज के इन 30 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? पूर्णतः सहमत हैं कि सामान्यतः सहमत हैं कि आंशिक रूप से सहमत हैं कि बिल्कुल नहीं? तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो चलिए सही विकल्प जानते हैं, पूर्णतः। शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जान लेना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक को किस प्रकार का आदेश देना चाहिए या किस प्रकार आदेश दें? पहला आदेश है ऊंचे स्वर में बोलकर, दूसरा है मेज पर मुक्का मारकर, तीसरा है धीमी आवाज़ में बोलकर, और चौथा है चेतावनी देकर। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, चेतावनी देकर। चलिए अगला देखते हैं, छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष है, छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष क्या है? वे अपना कीमती समय नष्ट करते हैं, वे बुरी संगत में पड़ जाते हैं, वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं, वे अपराध करना सीखते हैं। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं, क्योंकि बच्चा काल्पनिक होता है। तो यहाँ पे सबसे सही विकल्प ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि ऑप्शन एक, छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें, छात्रों को दंड का भय दिखाएं, अन्य शिक्षकों की विधियों का अनुसरण करें, मॉनिटर से कहें कि शरारती छात्रों के नाम आपको बताएं। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें। अगला प्रश्न है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन, उनसे प्रश्न पूछेंगे, उनको शोर करने से रोकेंगे, उनसे नियमों का पालन कराएंगे, उन पर दायित्व सौंपेंगे। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, उन पर दायित्व सौंपा जाएगा छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, दूसरा है उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे, तीसरा ऑप्शन है उन्हें सजा देंगे, और चौथा ऑप्शन है उनसे नियमों का पालन कराएंगे। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। पहला ऑप्शन आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, दूसरा विकल्प वृत्तिक दृष्टिकोण से, तीसरा ऑप्शन है मानवीय धारणा से, और चौथा है नैतिक धारणा से। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नैतिक धारणा से। अगला प्रश्न है, छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक किन बातों पर अधिक ध्यान देंगे? पहला है छात्र जानवर को ना छोड़ें, छात्र अनुशासन बनाए रखें, छात्र आज़ादी से घूमते रहें, छात्र आपस में ना झगड़ें।
तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, छात्र जानवरों को ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ प्रश्न है भ्रमण कराते समय अध्यापक किन बातों पर अधिक ध्यान देंगे। तो छात्र जो हैं वो जानवरों को चिड़ियाघर से छोड़े ना, मुक्त ना करें, नहीं तो काफ़ी हादसे हो सकते हैं, तो इन बातों पर अधिक अध्यापक ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और सिर दर्द बन जाता है, तो मैं ऑप्शन है कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, दूसरा विकल्प है छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, तीसरा ऑप्शन है उसको सहज रूप से लूंगा, और चौथा ऑप्शन है उसे उचित दंड दूंगा। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय अधिक कारगर हो सकता है। पहला ऑप्शन है उनको बड़े बड़े मैच दिखाना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों को खेल का नया सामान देना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों को बताना कि खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ना, और चौथा ऑप्शन है खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेलना। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेलना, ये छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा कर सकता है। अगला प्रश्न है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन काम में लगन, दूसरा ऑप्शन आत्मविश्वास, तीसरा ऑप्शन श्रम का महत्व, और चौथा ऑप्शन धर्मानुराग। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी आत्मविश्वास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। चार विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प है पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरा विकल्प दिया गया है माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, और तीसरा विकल्प दिया है गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, और चौथा है मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ सही विकल्प जो होगा ऑप्शन डी, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक, पहला ऑप्शन उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, दूसरा ऑप्शन उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, और चौथा ऑप्शन है श्याम पट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, उनमें जिज्ञासा जब तक पैदा नहीं की जाएगी तब तक उनका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थी की ऑप्शन एक सुरक्षा बढ़े, देखभाल ठीक से हो सके, जानकारी और कुशलता बढ़े, चौथा ऑप्शन है प्रतिष्ठा बढ़े। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जानकारी और कुशलता बढ़े। तो विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों की जानकारी और कुशलता बढ़े। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकलांग
छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो। दूसरा ऑप्शन है उसके भोजन व आवास की व्यवस्था हो। तीसरा ऑप्शन है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। और चौथा ऑप्शन है आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो। तो यहाँ सही विकल्प जो होगा, सबसे सही विकल्प है ऑप्शन ए, कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित व्यवस्था हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमजोर है, आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उससे कहें कि गणित में अधिक परिश्रम करें। दूसरा ऑप्शन है उससे कहें कि गणित की कक्षा में अधिक ध्यान दें। तीसरा ऑप्शन है उसके माता पिता से एक बार बात कर विचार विमर्श करें। और चौथा ऑप्शन है उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए कि पहला ऑप्शन है उनकी जगह या सीट बदल दी जाए। दूसरा ऑप्शन है उनके माता पिता को सूचित करें। तीसरा ऑप्शन है उनकी जगह या सीट बदलने को मना कर दें। और चौथा ऑप्शन है छात्रों से कहें कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, छात्रों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन प्राचार्य से उसके निष्कासन की संस्तुति करेंगे। दूसरा ऑप्शन है तुरंत सजा देंगे। तीसरा ऑप्शन है कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे। और चौथा ऑप्शन है अभिभावक को सूचित करेंगे। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे। दूसरा ऑप्शन है मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। तीसरा ऑप्शन है इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। और चौथा ऑप्शन है इस पर कोई पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? पहला ऑप्शन ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे। दूसरा ऑप्शन है मातृभाषा का प्रयोग ना करने वाले को दंड देंगे। तीसरा विकल्प है उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे। और चौथा विकल्प है अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे। तो यहाँ सही विकल्प जो होगा ऑप्शन ए होगा, ऐसे छात्र को समय समय पर पारितोषिक देंगे। अगला प्रश्न है छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? पहला ऑप्शन है घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें। दूसरा ऑप्शन है केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें। तीसरा ऑप्शन है मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। आप एक युवा अध्यापक हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे। दूसरा है, अपने धनी होने का रौब डालेंगे। तीसरा ऑप्शन है, हरदम सत्संवर कर विद्यालय आएंगे। और चौथा ऑप्शन है, छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, कक्षा से चला जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षण विधि बदल दें। चौथा ऑप्शन है, कक्षा में कोई अन्य कार्य आरंभ करें। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, शिक्षण विधि को बदलें। अगला प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, अधिक शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे। दूसरा ऑप्शन है, कम शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे। तीसरा ऑप्शन है, इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। और चौथा विकल्प है, उन दोनों समूह में मित्रता करवाने का यथासंभव प्रयास करेंगे। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, उन दोनों समूह में मित्रता करवाने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। पहला विकल्प है, परीक्षा प्रश्न से। दूसरा विकल्प है, मूल्यांकन के उपकरण से। तीसरा विकल्प है, विचार विमर्श से। और चौथा विकल्प है, अभिभावक परामर्श से। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, विचार विमर्श से। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन, अच्छा वातावरण रखना। दूसरा ऑप्शन, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। तीसरा ऑप्शन, समय का पाबंद होना। और चौथा ऑप्शन, अच्छा वक्ता होना। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अच्छा वक्ता होना। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या करे? पहला ऑप्शन है, उन्मुक्त वातावरण रखे। दूसरा ऑप्शन है, छात्रों को नियंत्रित रखे। तीसरा ऑप्शन है, उन्हें परंपराओं से हटने दे। और चौथा ऑप्शन है, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें। अगला प्रश्न है, कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला ऑप्शन, स्वतंत्र रूप से विचार करना। दूसरा ऑप्शन, विनयशीलता। तीसरा ऑप्शन, आज्ञाकारिता। और चौथा ऑप्शन, परिश्रमी। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, स्वतंत्र रूप से विचार करना। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्यपुस्तक को घर भूल जाता है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, आप स्वयं उसके लिए एक पाठ्यपुस्तक खरीद देंगे। दूसरा ऑप्शन है, आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे। तीसरा ऑप्शन है, आप उसे तत्काल कक्षा से बाहर निकाल देंगे। और चौथा ऑप्शन है, आप बिना कारण पूछे कक्षा में ही डांटेंगे। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे, जिससे उस समय उसकी अध्ययन निरंतर गति से चलती रहे। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? पहला ऑप्शन, प्राचार्य को सूचित करेंगे। दूसरा ऑप्शन, अभिभावक को सूचना देंगे। तीसरा ऑप्शन, मिलजुल कर
उनकी समस्याओं को हल करेंगे, और चौथा ऑप्शन है सा शिक्षा को बंद कर देंगे। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे। तो यहाँ पे आज बाल विकास के 30 प्रश्न पूरे होते हैं। तो ये पहला क्लास था, आपको ये क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।